मिस करता यार। तो रील्स कैसे बनाए? बहुत बढ़िया। इसको रील्स बनाने की यानी ये लगता है कि क्या बनाते रील्स, क्या नहीं क्या नहीं? अभी मुझे पता चला कि रील्स कितना मजा आता है रील्स बनाने में। तो इसको अगर फॉलो करना हो तो इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखो अभी कितना बढ़िया मौसम है। पिछले एरिया में मंकी थे इसलिए मैंने शूट किया नहीं। वो कुछ भी दिखा तो छीनने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आता हो यहाँ पे ब्रह्मगिरी पे तो लेडीज ज्यादातर लेडीज करके तो लेडीज लोगों ने यानी पर्स वगैरह कुछ नहीं लाने का क्योंकि वो जो बंदर रहते वो सब छीन लेते और नहीं दिया तो आंग पे आने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मोबाइल भी निकालने की कोशिश करते हो जेब में से। तो कृपया करके ध्यान रखे, यहाँ पे ऊपर आते हो सब नीचे ही रखे हैं। तो मेरे को ये तो कुछ भी तो नीचे महादेव का मंदिर है ब्रह्मगिरी पर्वत पे। तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। चलो आओ। तो वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे बहुत सारा पानी है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दिया है कि कब से ये, और ये नीचे ये मंदिर है। तो अभी हम यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है बहुत सारा। यहाँ पे महादेव भगवान का मंदिर है। मेरे भोलेनाथ का नहीं, अरे माकड़े विकड़े दिन गुरुजी पण बोला। तो अभी फुल इन्फॉर्मेशन देखिए, ये महाराज बोलने इन्फॉर्मेशन आ गई। इन्फॉर्मेशन आ गई का ये गौतम ऋषि अहिल्या माता त्यांची पत्नी अहिल्या माता ते पहिले धान्य वगैरे करायचे आणि भोजन वगैरे करून खायचे आणि सगळे देवांना जीव घालायचे। तर एक दिवस गणपतीने इंद्रदेवाने एक गायचा पुतळा पाठवून शेतात धान्य करण्यासाठी पाठवली। हे गौतम ऋषीने बघितली, दारबाचे काडे फेकून वाढली, हे गोहत्याचा पाप लागला, म्हणजे हे चुकून हत्या झाली गौतम ऋषी करून। गोहत्याचा पाप लागला, सराप लागला, त्या सराप दिला सगळ्या देवांनी, त्यांनी 12 वर्ष तपश्चर्या केली बघा गौतम ऋषीनी। तर हे 3 उमराचे झाडे, 1, 2 आणि 3, तिने उमरांचे झाडातून ही गंगा गोदावरीचा उगम झाली। असा बारीक कोराचा जन्म होतो, असा हे गंगा गोदावरीचा जन्म झाला। मूळ गंगा गोदावरीचा उगमस्थान आणि हीच गंगा गोदावरी गुप्त रूपात तिला खाली गायीचं मुख बघितलं का सगळ्यांनी? हो, ते गायीच्या मुखात निघाली, ती पहाडाच्या खाली चालते गंगा गोदावरी। तर हे गौतम ऋषी अहिल्या माताने आराधना केली शंकर भगवंता का, आपल्या जगासाठी कल्याणासाठी थोडतरी घरा उत्तर भागाला पाहिजे होता आणि शंकर भगवान प्रसन्न झाले आणि ती जटा जिंकली गंगा गोदावरी आणि एक समुद्र मंदिर दिसला आपल्याला। ती समुद्रावर ती जटा मारली, दुसरा पार गंगा गोदावरी उतरवली। रामकुंडात कुसरती कुंडात मोठी झाली, नाशिक पंचवटी नांदेड बैठक आंध्रामधी मोठी गंगा गोदावरी झाली। हे गंगेला गोदावरीला आपण ही 5 वाटे घालून असता तर आपल्याला पुण्य पंडिता घराघरातून शांती मिळते, बरकता मिळते। हे गोदावरीला काय म्हणते असता? येणेदान सुंदान पुण्यदान गोदान खरांचे होते वाटा, चांदी सोन्याची गाय वाटा साडी पुरी वाटतो आपली, आपण काय आम्ही शेतात नाही देऊ शकत नाही तिला। म्हणून हे गंगेचे ठिकाणी गोदान करता आणि धर्मगिरी यात्रा संपूर्ण।
पूर्ण करता है मुख्य स्थान है गोदावरीचं आणि सगळ्यांनी तुझी आता पाणी द्यायचं की म्हणून आश्रम द्या हे आपण एक चार दर्शन करतो आपल्या स्वतःपुरतं आपण दर्शन करून जातो तसा आपला नाव नेताई वडिलांचं नाव घ्या आपला नाव आपला गोत्र गोत्रांनी सांगितलं अशा मुद्रा आपला परिवाराचं नाव घ्या आई वडिलांचे नाव घ्या स्वतःचे नाव घ्या आणि मी दोन देईचा मंत्र बोलतो माझे पाठीमागे तुम्ही सगळ्यांनी बोलायचं आहे बोलो ममा शरीरा गोदावरी गोदावरी गंगा गंगा महागंगे महागंगे नमोगंगे वल्लभे महातित्वा महादेवी गोदावरी नमस्ते थोडस सरकून सगळ्यांनी माझ्या मागे बोलायचं सगळ्यांनी बोलायचं दारिद्री नेहमीचे आगता सुखा संपत्ती पुण्य तव्वा दर्शन दायिका वाचिका मानसिका सकला दोष दान दक्षिणा दक्षिणा नमस्ते नमस्कार करा सगळ्यांनी मुक्तीदान आता आपला नाव घेऊन आहे वडिलांचं नाव घेऊन आपले काय दान दक्षिणा असते आपले आपले आता जे आपले गाय खाली तर ब्रह्मगिरी यात्रा संपूर्ण होते मुख्य स्थान आलो कुणी इकडे वरती या वरती वरती मंदिर आहे वरती 10 रुपये घे गंगेचा गोदावरीचा उगम झाला वरती या इकडं 100 रुपये सगळ्यांची ठेवून द्या सगळ्यांची ठेवून द्या एका ठिकाणी एकच ठिकाणी गौतम ऋषी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास तो आपने सुन ली ब्रह्मगिरी की पूरी हिस्ट्री तो चलो अभी आगे चलते हैं और आगे मंदिर है कोणतं मंदिर आहे का कोणतं मंदिर आहे आ गया कृष्ण भगवान का मंदिर तो अभी देख सकते आप बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय तो यहाँ का व्यू देख सकते आप यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है नीचे देख खाइए नीचे देखो कितनी बड़ी खाई है और पूरा फॉग है यहाँ पे नीचे है ब्रह्मगिरी दर्शन दर्शन कर लिया है अभी हम नीचे जा रहे हैं ऊपर बहुत ही बारिश गिर रही है और इसकी वजह से हमने लकड़ियाँ ले ली अगर आप उसको लकड़ियाँ चाहिए तो नीचे मिल जाती है रेंट से लेना मत क्योंकि बहुत सी जगह पे लकड़ियाँ गिरी हुई रहती है ऑर्डर लेने की रेंट से भी मिलती है लेकिन आपको जस्ट लेनी होगी थोड़ी सी आप ले तो चलो अभी नीचे जाते हैं बारिश चालू हो गई तो मैं अभी शूट नहीं कर पाऊंगा
तो चलो अभी मिलते हैं नीचे डायरेक्ट, बाय। हम शिव जी की जटा देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे शिव जी की जटा का मंदिर, तो चलो अभी देखने जाने। यहाँ पे है शिव जी की जटा, तो अभी हम दूसरे घर पे जा रहे हैं, अभी जहाँ पे दूसरे घर पे जाने के लिए हमको 250 चिड़िया चढ़ने बननी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे लोग किसे जा रहे हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं सिटी वालों ने, तो आवाज़ घूमे। यहाँ पे गंगा मैया का मंदिर है, गंगा माता का, और ऊपर इसके ऊपर भी और है। तो अभी हम पहुंचे हैं गंगा मैया के मंदिर, देख सकते हैं आप, अभी दर्शन लेते हैं और देखते हैं अभी वहाँ पे शूट करने के लिए देते हैं। तो फाइनली हमने गंगा मैया का दर्शन कर लिया है, यहाँ पे गंगा मैया का उगम हुआ था। तो देखते आगे गोरक्षनाथ गुफा है और शिवलिंग भी वहाँ पे बहुत सारे, तो अभी वहाँ पे जाएंगे अपन। और ये ऊपर ऊपर से नज़ारा देखो कितना बढ़िया है। हम उस वाले पहाड़ पे थे, अभी वो क्रॉस करके यहाँ से अभी इस पहाड़ पे आए। यहाँ पे गंगा माया का मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ऊपर से व्यू। और यहाँ पे बंदर भी है जो मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल कैरी बैग वगैरह पर्स वगैरह देख सकते हैं आप। अभी हम जा रहे हैं गोरक्षनाथ गुफा की तरफ, यहाँ पे बंदरों के लिए देखो खाना डाला है, बिस्किट वगैरह। अभी देखो यहाँ से जाने के लिए रास्ता है गोरक्षनाथ गुफा के लिए, यहाँ पे 108 शिवलिंग है। अभी हम जा रहे हैं, देखते रहे। देखो पहाड़ कितना ऊपर बड़ा है और बाजू का नजारा। हम यहाँ तक आते आते थक गए थे बहुत ही, लेकिन क्या मालूम थम तो यहाँ पे ऊपर देखो 108 शिवलिंग है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, चलो अभी चलते चल। तो अभी अपन जा रहे हैं शिवलिंग की तरफ, जहाँ पे 108 शिवलिंग है।
बाबा ने हमको बुलाया है दर्शन लेने के लिए। यहाँ पे 108 शिवलिंग है। चलो कृष्णा चल। तो अभी हम नीचे से जाएंगे इसे। जय भोलेनाथ की जय। 108 ये सब 108 शिवलिंग भगवान यहाँ पर। ये अहिल्या माता की मूर्ति है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। हाँ जितना या सब जो क्या हाँ है ना सर कुछ ते माजी देता है। हाँ बोले वो झुक के आ जाओ। अरे झुक के ऐसे 108 शिवलिंग भगवान यहाँ पर। यह अहिल्या माता की मूर्ति है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या गौतम ऋषि ने यहाँ दोनों मिलकर 108 शिव जी की यहाँ पर पूजा की है। ये उनके हाथ से बना 108 शिवलिंग भगवान। तो हमने 108 शिवलिंग के दर्शन कर लिए और उसके बाद अभी जा रहे हैं हम गोरक्षनाथ गुफा की तरफ। देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं। हम बहुत थक गए थे, मुझे तो मेरा तो ऊपर जाने का मन ही नहीं था, लेकिन मैंने बोर्ड पढ़ा कि गोरक्षनाथ गुफा है वहाँ पे और शिवलिंग है, तो मैं कहाँ भी जा। चलो जाते हैं यार। एक thank you.
तो चलो अभी हम जा रहे हैं गोरक्षनाथ गुफा की तरफ। ओ आला लो जोर से बोलो गोरखनाथ से बोलो गोरखनाथ नीचे। तो याद हो गया यहाँ पे है गोरखनाथ गुफा ऊपर। अभी जा रहे हैं हम वहाँ। हाँ दाखलो बोला गुरु गोरखनाथ महाराज की। लवकर लवकर ते आपल्यासाठी हिस्ट्री सांगेल थांबले तर आदेश बाबा चल ये गोरखनाथ की गुफा है। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नवनाथ महाराज की जय। पार्वती मातेचा भ्रम इथे मिटवला त्या टायमाला आदिनाथ रूप इथं दाखवलं आणि पार्वती मातेने नवनाथांमध्ये ब्रह्मचर्य रूप पकडलं उदयनाथाच इथं। नंतर मच्छिंद्रनाथांना इथं बोलावून मच्छिंद्रनाथांना इथं मेनची सेवा नावलं। मच्छिंद्रनाथांनी नंतर गोरक्षनाथांना इथं बोलावून गोरक्षनाथांना इथं बोध केला। गोरक्षनाथांनी इथं बसून पहिली तपश्चर्या इथं केली। गोरक्षनाथ इथं शिवाची अवतार झाली। गोरक्षनाथांनी शिवजयती गोरक्षनाथ होऊन नवनाथ 84 दिला अनुपनिशिलावर सिद्धी दिली। नंतर मग गैनीनाथ मातीच्या पुतळ्याचे बनवलेले त्यांना इथं बोलावून गैनीनाथांना इथं गुरु ज्ञान दिलं। मग गोरक्षनाथ नाथ संप्रदायाचा प्रसार करण्याकरता इथून निघाले। मग गैनीनाथांनी निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर सोपान मुक्ताबाई हे फेरी मारत असताना तर निवृत्तीनाथांना गुरु ज्ञान होण्याकरता गैनीनाथांनी इथून वाघाचं रूप धरून निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर हे फेरी मारत असताना त्यांना वाघाची भीती घातली। त्याच्यातून निवृत्तीनाथ वाघाची भीती धरून या गुफेमध्ये लपण्याकरता आले। मग गैनीनाथांनी इथं येऊन मानव रूप प्रकट करून निवृत्तीनाथांना इथं गुरु ज्ञान दिलं। मग निवृत्तीनाथांनी 4 वर्षे त्यांची सेवा केली। नंतर मग ज्ञानेश्वर सोपान मुक्ताबाईला ज्ञान दिलं। मग ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी दिली। नंतर मग वारकरी संप्रदाय चालू झाला। म्हणून हरिपाठामध्ये लिहिलंय आदिनाथचा गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्रतयाचा मुख्य शिष्य मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाशी केला। गोरक्ष वळला गैनी प्रदे गैनी प्रसादे निवृत्ती दातर ज्ञानदेवसार सोजविधे। इथं आल्यानंतर आपल्याला सुद्धा गुरु ज्ञान सिद्धी प्राप्त होते। आपल्या मागील सारी बाधा निघून जाते। आपली मनोकामना इच्छा काही असेल ती पूरी होते। म्हणून म्हटलं गेलंय आगे आगे गोरख आगे 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 गोरख जागे। तर मग हे आपलं हिंदू सनातन धर्माचं मूळ। इथून नाथ संप्रदाय चालू झाला। इथून गुरु शिष्य परंपरा चालू झाली। आलं ज्याला काढ। तो फायनली हमने गोरक्षनाथ की गुफा देख ली। अभी जा रहे हैं घर की तरफ यानी नीचे जाएंगे कार लेंगे और घर की तरफ जाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं। तो अभी हमें नीचे जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो फिर आपको अभी मिलते हैं नीचे ही क्योंकि फटाफट उतरने वाले हैं। हम अभी बहुत थक चुके हैं। तो चलो मिलते हैं नीचे।
फाइनली हम पहुंच गए हैं नीचे। तो अभी हम पहुंच गए, कितने बजे? 5 बज गए हैं। टाइम दाखो था। और ये देखो पाँच बज गए और अभी हम नीचे उतर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग कब से कब की थी अपने? 10:30-11 बजे हमने स्टार्टिंग की थी चढ़ने के लिए। बापरे, आता 5 वाजले, 5 डायरेक्ट पोरांनी बरोबर केलं म्हणजे 4 वाजता आले ते आणि आता आम्ही इकडे। या व्ह्यू देखो नीचे से, तब बढिया दिख रहा है। पे तो कितना बढ़िया लेके बागे मैं ढेरी सुट्टे बसून रात म्हणून सुट्टे मत। फाइनली हमारी कार हमें दिख चुकी है, जो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सुबह से हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक मैगी पे और कांदा भजी पे सिर्फ, बस हमें बहुत ज्यादा भूख लगी। अभी घर पे जाके डायरेक्ट कोई गरम गरम बटर वाली पाव भाजी दे दे। आए हाय हाय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी कार के पास। तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और चलो तो अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। तो चलो बाय।